अरे सुशी, बापूत्र की अलमारी की चाबी देखी क्या तूने? वो मेरे पर्स में होगी रिपोर्ट के साथ। किस रिपोर्ट की रसीद है? ब्लड टेस्ट करवाए? अरे सुशी, तो बोलती ना बापोदरा को साथ में चलता। हाँ, लेकिन वो मैं सब्जी लेने गई थी ना, वहां से डायरेक्टली चली गई। क्या बात है? बात क्या है सुशी? बहुत दिनों से देख रहा हूं, कुछ अजीब बर्ताव कर रही है तू। क्या कोई तो बात है जो तुझे परेशान कर रही है? वो बीमार थी, वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वाला है, उसका कुछ है? डॉक्टर को दिखाना है तो? क्या बात है सुशी? ए सुशी, सुशी तूने कहा था ना तू बापोदरा की पक्की वाली दोस्त बनेगी, शेयर करेगी सब, तो बता ना बापोदरा को क्या क्या हुआ। क्या वो? क्या वो? अरे आगे बहुत चुप क्यों हो गए? आप, मैंने चिराग या दीप्ति को कहा था आने के लिए। फोन मैंने ही उठाया था, तुमने दीप्ति समझकर मुझसे सारी बात की। एक्चुअली दीप्ति ताना बाना गई थी तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूं। कहीं तो ध्यान रखना। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। आप चाहिए अश्विन, क्या मैं तुम्हारी तरह कैब चला सकता हूं? नहीं, फिलहाल पैसे हैं मेरे पास बैंक में और घर बैठे बैठे बहुत गिल्ट महसूस करता हूं। फ्री बैठे रहने की आदत नहीं है ना, तो सोचा कुछ काम करूं। ईमानदारी से रोटी कमाना चाहता हूं, ईमानदारी से खोई हुई इज्जत कमाना चाहता हूं। और कोई दे न दे, तुम तो मुझे दूसरा मौका दो। दूसरे मौके की कीमत क्या होती है वो तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आपको मुझसे दूसरा मौका क्यों चाहिए? और काम तो आपको कोई भी दे देगा। काम तो कोई भी दे देगा, लेकिन दूसरा मौका तो तुम लोगों से ही मांगना पड़ेगा ना। पिछले दिनों जो प्यार, जो अपनापन मिला है, उसे मैं खोना नहीं चाहता। नहीं जी पाऊंगा उसके बगैर, तुम लोगों के बगैर। राशि ना सारे के सारे हथकंडे अपनाएगी देखना, लेकिन इस बार मैं उसकी बात नहीं मानने वाली। और वो दिलीप यहाँ पर टिकने के चक्कर में है, उसका यहाँ से जाने का मन ही नहीं है जुगन, इसलिए तरह तरह के बहाने बना रहा है। मैं लालची हो गया हूँ, रिश्तों की लालच है मुझे, प्यार की, परिवार की। परिवार में तुम भी तो हो ना। मेहनत से कमाना चाहता हूं, मेहनत के पैसों से तुम सबके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अक्सर बाप बेटे को रास्ता दिखाता है, पर आज एक बाप बेटे को रास्ता दिखाने के लिए कह रहा है। जब अश्विन को उसकी मदद करते देखती हूँ ना, तो खून खोल उठता है मेरा। अश्विन जब छोटा था तो दिलीप ने उसे इतना सताया, इतना मारा कि मैं बता नहीं सकती। और आज जब उसी अश्विन की आंखों में दिलीप के लिए दया देखती हूँ तो एक अजीब सा डर लगता है। अश्विन उसकी संतान है पुष्पा, पहली संतान। अश्विन सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। तुम मेरे बेटे हो, अपने भटके हुए बाप को रास्ता नहीं दिखाओगे? मैं इस चाबी का एक और सेट बनवा लेता हूं, आप दिन में चला लीजिएगा और मैं रात में। नहीं, रात को मैं चलाऊं, तुम दिन में चला। थैंक
थैंक यू डैड. अगर आपको मम्मी के गुड बुक्स में आना है तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा. बड़ा मतलब? जैसे मम्मी डेस्परेटली चाहती है कि अश्विन भाई और दीप्ति भाभी का डिवोर्स ना हो, तो अगर आप उसको रुकवा दो तो दैट विल बी वेरी बैड. यू और एक काम मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ. छोड़ उस आदमी का टॉपिक. उस आदमी के बारे में बात ही नहीं करनी है मुझे फिलहाल. मैं बस किसी तरह अश्विन और दीप्ति का डाइवोर्स रोकना चाहती हूँ. उसमें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक कहना. जहां तक मैंने देखा है, समझा है, तुम डिवोर्स लेना नहीं चाहते. तुम दीप्ति के साथ रहना चाहते हो, राइट? एक बाप होने की हैसियत से ये काम तुम मुझे करने दो. पर आप ये कैसे करेंगे? ये फैसला तो दीप्ति ही अपना फैसला बदलेगी, देखना. किसे? कुछ करेंगे. कोई चमत्कार कर दे जुगल. तुम और दीप्ति साथ रहो, उसका जुगाड़ मैं लगाऊंगा. नहीं बन सकती मैं आपकी दोस्त. ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है. अरे ना आप सुधरते हो ना ये सब कुछ होता. कहा था ना इतने अच्छा मत बनिए. अरे मत कीजिए लटूड़ा पटूड़ा मेरे आगे पीछे. लेकिन नहीं सुनना नहीं. मैंने कहा था ना घर के बाहर जाके अपना काम कीजिए. लेकिन नहीं पूरे दिन घर पे पड़े रहना है. ये वो आंकड़ों खड़ूस बापोदरा ही ठीक था. इस बापोदरा ने मेरी वाट लगा दी. मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है मेरे सामने. अच्छा वे सुशी, बाहर लोग तारीफ करते हैं, जलते हैं बापोदरा के रोमांस से, और तू यहाँ ये बात कर रही है? पति अब रोमांटिक नहीं रहा, ऐसी पत्नियों की कंप्लेन होती है. वो तेरी उल्टी गंगा बह रही है. अच्छा होने की ये सजा देगी बापोदरा को? हाँ, क्योंकि आपके अच्छे बनने की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी. सजा? क्या बोल रही है सुशी तू? तू बापोदरा के कारण इतनी परेशान है और बापोदरा को पता ही नहीं है कि उसने क्या किया है. सुशी बता तो सही. मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं. सॉलिड डायलॉग बोला. डायलॉग नहीं मारा मैंने. सच में आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं और आप बाप बनने वाले. फिर से बस बस सुशी एक बार ठीक है, वो दूसरी बार फिर वही जोक मारने से मजा नहीं आता. जोक नहीं है ये, पापा की सौगंध, माता जी की सौगंध, प्रार्थना की सौगंध. मैं सच कह रही हूँ. सब्जी लेने नहीं गई थी मैं, डॉक्टर के पास गई थी. उनका फोन आया था. उन्होंने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ. रिपोर्ट पॉजिटिव है. ये ऐसे कैसे? जा कुछ गलत फहमी हो गई हुई सुशी. कुछ गलत फहमी हो गई होगी. चिंता मत कर, वो रिपोर्ट्स की अदला बदली हो गई होगी हॉस्पिटल में. पिक्चर में दिखाते ना वैसे. पिक्चर नहीं चल रही है, ये हकीकत है. आप बदले हो ना उसका नतीजा है ये. याद दिलाओ वो चांदनी रात, वो गाना, वो जवानी फूट रही थी ना आपको, उस जवानी का नतीजा निकला है ये. अश्विन का फोन आया था पर किसी ने रिसीव किया है. हाँ दीप्ति. अश्विन तुमने फोन किया था? हाँ वो तुम ताना बाना में थी तो फोन उन्होंने उठाया. मेरा वॉलेट घर पर रह गया था. मेरा लाइसेंस है उसमें, मुझे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था तो वही ले आए. ओके. तूने अश्विन को फोन किया था? नहीं, अश्विन का फोन आया था. वो अपना वॉलेट भूल गया था तो राशि के डैड देने गया है. दिलीप गया है?
हाँ। राशि को छोड़ के अश्विन के पीछे पड़ गया लगता है। खैर मैं ना जरा सुशीला से मिलकर आती हूँ। जब से हॉस्पिटल से लौटी हूँ वो मुझे मिलने नहीं आई। देखती हूँ जरा क्या बात है। आप क्यों जा रही हैं? मैं ही बुला लेती हूँ ना। नहीं, मैं चलती हूँ। सदमे से बाहर आइए और आगे क्या करना है वो सोचिए। क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को? जो है वही दिखाना पड़ेगा ना। नया तो नहीं मिलेगा। और पति पत्नी है हम, कोई पाप नहीं किया है कि मुंह छुपाना पड़े हमें? शादीशुदा बेटी हमारी सुशी, लोगों को पता चलेगा तो हंसेंगे हम पर। और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं। अरे किस्मत ने और कुदरत ने जो चाहा है वही हुआ है। इसमें हमने क्या किया है? नहीं नहीं नहीं, किस्मत और कुदरत का बात मत निकालो। ये हमारा काम है। 17-18 साल के बच्चे नहीं है कि कुछ पता न चले। लोग छोड़ेंगे नहीं बापोद्रा को। बापोद्रा ने सालों तक लोगों की खिल्ली उड़ाई है ना। अभी देखना बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखेंगे, ढोल बजाएंगे, नगारा पीटेंगे, जीना आराम कर देंगे बापोद्रा का, देख लेना तू। हमको लोगों की पड़ी है। इस उम्र में 9 महीने ये जिम्मेदारी मैं कैसे संभालूंगी? उसका कुछ नहीं। क्या 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 बोल रही है तू? कुछ संभालना मुभालना नहीं तुझे। वो बापोद्रा देखेगा, कुछ रास्ता निकालेगा। लेकिन तू मेहरबानी करके डोंट डाई बल्कि पुष्पा को कुछ मत बताना। और बोल सुशी, ये आपस का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन पुष्पा को इस बात की बनक तक नहीं लगनी चाहिए। बरोबर? क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? अरे सुशीला, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गई है क्या? मैं हॉस्पिटल से वापस आई, तुम मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। यही है तेरा प्यार? यही है तेरी दोस्ती? नहीं रे पुष्पा, मैं आई थी तुझे देखने, लेकिन तू सो रही थी ना, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया तुझे। अरे हाँ, वो तेरे घर पे आचार की बर्नी पड़ी थी ना, वो मैं अपने घर लेके आ गई हूँ। वो बर्नी तू लेकर आई? बोलो, पूरे शहर में ढूंढ रही हूँ मैं वो बर्नी। अरे मैंने प्रार्थना को कहा था तुझे बताने के लिए, बताया नहीं उसने? नहीं, वो आचार की बर्नी देख के एकदम लालच हो गया खाने का। तू सो रही थी इसलिए बिना पूछे ही ले आई। क्या वो ठीक है? रख दो वो बर्नी, लेकिन तुम दोनों मिलकर छुपा क्या रहे हो मुझसे, वो बोलो। क्या समझा ना मैं? याद रखना ये घर का मामला है। कुछ है? क्या बस, कुछ है ही नहीं छुपाने को। वो तो तू बताएगा ना कि क्या छुपा रहा है। बापोद्रा सुशी को बता रहा था कि बर्नी बिना बताए बर्नी लेकर आई, तो पुष्पा नाराज होगी, वापस बिना बताए रद्दे उधर जिधर से लाई थी वही। मैं तो पुष्पा फिर पूरी जिंदगी सुनाएगी, अचार चोर अचार चोर। अच्छा लगेगा क्या रे बापुद्रा? बेवकूफ समझ रखा है मुझे? मैं हूं नहीं, नहीं बताना है मत बता, लेकिन ऐसा कच्चा लीमू मत पकड़ा मेरे हाथ में। मैं तो बस ये देखने आई थी कि सुशीला की तबीयत ठीक है कि नहीं। वो नहीं आई तो चिंता हो रही थी। ठीक ठीक है, एकदम फिट है। ए, तू ठीक नहीं है, तेरा जख्म अभी ताजा है, तू आराम कर, कर घर जा, हम लोग आएंगे तुझे मिलने। जा रही हूँ, जा रही हूँ, ऐसे भगा मत मुझे।
छिपाने की इतनी मेहनत कर रहे हैं दोनों, मतलब कुछ तो झोल है। Place some mashed potato in a plate, add some red chili powder, garam masala powder, amchur, cumin powder, और फिर coriander, salt powder. कोई नया आइटम बन रहा है? हाँ, stuffed paratha with lots of veggies. सुवाच्चे, मैंने तो कभी नहीं बनाया। मैंने भी नहीं, चिराग का आइडिया था। वो रेसिपी पढ़ के मुझे बता रहा है और मैं बना रही हूँ। क्या बात है लुच्ची लोमड़ी, पढ़ पढ़ सकते हैं। मैं अभी बापूसोर सुशीला से मिलकर आ रही हूँ। दोनों थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, घबराए हुए सहमे हुए से थे। मुझे कुछ पता है क्या? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बार उनसे बात करके जान लूंगी। प्रार्थना को भी नहीं पता? सुशीला जरूर किसी प्रॉब्लम में है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं टेंशन थी। क्या बात होगी? अरे फोन उठाइए, एमएलए पाटिल साहब का फोन है। नहीं, बात करनी है बापोदरा को किसी से। अरे ऐसा क्या कर रहे हैं आप, जैसे मुझे कोई चेपी बीमारी हो गई हो। सिर्फ प्रेग्नेंट हुई हूँ। सिर्फ प्रेग्नेंट? अरे जब ये दिखने लगेगा ना तो सबके सवाल शुरू होंगे। बापोदरा इस उम्र में बाप बनने वाला है, ये पता चलेगा ना सुशी, तो खाली चाल के लेवल पे नहीं, वार्ड के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर जगह जेती होगी बापोदरा की। हड़बड़ा गया है बापोदरा, किसी से बात नहीं करती, कॉर्पोरेटर भी नहीं बनना है। पहले इसका इलाज कर, फिर बात करेंगे बस। इतनी शर्म क्यों आ रही है आपको? शर्म की बात नहीं है सुशी, हैं? अपनी उम्र देख, हमारी उम्र देख, बेटी की उम्र है बच्चे पैदा करने की और हम शुरू हो गए। टाइमिंग थोड़ी गलत हुई है, और आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो हमने। अरे नाना नानी बनने की उम्र में माँ बाप बनने जा रहे हैं सुशी, ये सामाजिक गुनाह ही है। सोच प्रार्थना को पता चलेगा तो क्या होगा? चिराग तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएगा, इतनी खिल्ली उड़ाएगा बापोदरा की, इतनी खिल्ली उड़ाएगा कि ये सोचकर ही बीपी आया हो रहा है बापोदरा का। बापोदरा बाप बनेगा, 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 बापोदरा बाप नहीं सुशी, जब तक इसका चुकादा नहीं आएगा बापोदरा घर से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे कैसे बाहर नहीं जाओगे आप? मेरी रिपोर्ट्स कौन लाएगा? ये कौन? तू देख। आप जाइए ना। चलो। मम्मी। ये क्यों आई इधर? मुझे क्या पता, देखिए ना। बोल। पापा ये दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? वो आएगी। हाँ? धूल मिट्टी आएगी ना इसीलिए। अच्छा। अरे मम्मी ये देख, आज मैंने स्टफ पराठा बनाया, आपको टेस्ट करवाने लाई हूँ, थोड़ा टेस्ट कर। बंद कर बेटा, बंद कर। बंद कर, वो चख लेगी बाद में। चल बंद कर। क्या हुआ है? पुष्पा मम्मी भी कह रही थी कि क्या? क्या बोल रही थी तेरी पुष्पा मम्मी? यही कि आप दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही है। क्या छुपा रहे आप दोनों? अरे कुछ भी बोलती है तेरी पुष्पा मम्मी। अरे कुछ नहीं है, क्या छुपाना है सुशी, कुछ नहीं है सर, टेंशन मत ले बेटा। अब ये रख दे, मैं बाद में चख लूंगी। लेकिन मम्मी एक बाइट तो ले लीजिए ना। अरे अरे बंद करना भाई, तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आता। पापा मम्मी को क्या हुआ? पॉइजन, फूड पॉइजन बेटा।
फूड पॉइजन हो गया है इसीलिए, लेकिन तू टेंशन मत ले, बाप बुधरा है ना इधर। पापा पर एक बार डॉक्टर को दिखा लेते ना। नहीं जरूरत है भाई, डॉक्टर से बात हो गई है, कोई जरूरत पड़ेगी तो बुला लेगा बाप बुधरा, तू जाना भी। ये दे दे बेटा। अरे तू क्या कर रही है, करती रहेगी ना तो ढिंढोरा पिट जाएगा पूरे गांव में। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा सुशी इस प्रेगनेंसी का। क्या करेंगे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।